मनोज जी, हम तमाम पत्रकारों की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी दुआओं को शुभकामनाओं को तोहफा समझ के कबूल कीजिए। थैंक यू सर। और बताइए सर, आज नया लुक है मनोज टाइगर का, और किस फिल्म के लिए है और क्या सिचुएशन है? फिल्म का नाम है लागल रहा बतासा, और आज यहाँ प्री क्लाइमेक्स के आसपास की शूटिंग हो रही है। हम लोग मुंबई आए हुए हैं गाँव से, उसी का शूट हो रहा है यहाँ पर। और जरा और अपने किरदार के बारे में बताइए, फिल्म की बाकी आपकी कास्ट जो है। फिल्म के अभी कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन एक अनोखी कहानी है। अब अमृपाली अगर हीरोइन रहेगी बतासा चाचा की, तो अलग ही कहानी होगी। अविनाश है एक और इसमें हीरो, और सारे धुरंधर कॉमेडियंस हैं इसमें, और इसके प्रोड्यूसर हैं हमारे मिस्टर संजीव कुशवाहा, ये भी एक धुरंधर और जोखिम उठाने वाले इंसान हैं। अच्छी फिल्म इनको बनानी थी, और इनको साफ सुथरी फिल्म बनानी थी। फिल्म में बहुत पैसा, अच्छा पैसा खर्चा कर रहे हैं, और अच्छी कहानी, अच्छा संगीत, अच्छा डायरेक्टर, सबको लेकर के एक बेहतरीन फिल्म प्लान कर रहे हैं। मैं इसे कह सकता हूँ कि ये शायद एक अलग किस्म की फिल्म होगी, लीक से हट के फिल्म होगी, क्योंकि मनोज सिंह टाइगर बताशा चाचा की हीरोइन अमरपाली दुबे हैं। जी, इसके अलावा कोई आप और सा पॉइंट बताना चाहते हैं जिससे साबित हो कि फिल्म अलग होगी? देखिए, इसका तो फिल्म अच्छी साबित है, बढ़िया है, साफ़ सुथरी है, तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। उसके पहले सब लोग बोलते हैं मेरी फिल्म ऐसी है, मेरी फिल्म ऐसी है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मनोज जी, जब हम शुरू कर रहे थे तो मैंने चालीस आपसे कही थी, आज भी कहता हूँ, दो ब्रांड बन चुके हैं। एक तो निरहुआ, जिसके नाम पे फिल्में चलती हैं, निरहुआ चला लंदन, निरहुआ चला ससुराल। अब बताशा भी अपने आप एक ब्रांड बन रहा है, बताशा चाचा, लागल रहा बताशा। जी, खुश तो बहुत होंगे? तो ये तो पता नहीं, खुशी तो इस बात की खुशी नहीं है कि ब्रांड बन गया, ब्रांड तो कुछ नहीं, मैं कलाकार हूँ। पर यह है कि मुझे अच्छी टीम मिली है, संजीव कुशवाहा जैसा प्रोड्यूसर मिला है, आलोक सिंह जैसा डायरेक्टर मिला है, तो और हमारे सारे एक्टर हैं, हमको लगता है कि सिनेमा अच्छा होगा। रंगमंच से जुड़े हो आप, इन फिल्मों में आपने अपने ऑडियंस को कैसे आप ये समझाओगे, कैसे बताओगे कि हाँ मैंने एक अलग फिल्म बनाई है, या फिर कुछ अलग करने की कोशिश की है, कैसे आप अपने शब्दों में? देखिए, हम लोग प्रमोशन करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, इसके लिए संजीव जी ने बड़ी अच्छी अच्छी प्लानिंग किया है। एक महीना डेढ़ महीना पहले ही हम यूपी बिहार में जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, मल्टीप्लेक्स किराए पर लेके उसमें रिलीज करेंगे। तो एक बार लोग आ गए ना, तो दोबारा लोगों को भेजेंगे, वो हम पहुंच जाएंगे उन तक अपनी बात पहुंचा करके। अभी आपके किसी कलाकार ने बताया कि बताशा चाचा जो है ये आम्रपाली के दीवाने हैं फिल्म में, और उन्हें उनसे प्यार करते हैं। असल जिंदगी में कोई दीवानगी रही है मनोज टाइगर की किसी हीरोइन के लिए? जब जवानी है तो दीवानी है तो होगी, जवानी है तो दीवानी करेगी। किस्सा तो होता है कम से कम, बहुत सारे किस्से हो गए, अभी भी किस्सा ढूंढ ही रहा हूँ। मतलब जर्नी कंटिन्यू है इसमें कोई। अच्छा, आम्रपाली दुबे ही बनी हुई है, कोई खास हो जाए आम्रपाली को लेने के, क्योंकि हीरोइन तो बहुत सारी है जी। वो आम्रपाली है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट की डिमांड आम्रपाली ही थी। सब्जेक्ट लिखते वक्त ही मैंने सोचा था कि इसमें आम्रपाली ही रहेंगे, पता नहीं क्यों। पर्सनली मुझे आम्रपाली बहुत पसंद हैं, और मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भोजपुरी की एक टॉप की हीरोइन हूँ, एज एन एक्ट्रेस और एज ए स्टार, दोनों तरीके से बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा, आजकल भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार गेस्ट अपीयरेंस करते हैं, गाने गा देते हैं, आपकी फिल्म में भी कोई ऐसा तड़का देखने को मिलेगा? दिनेश जी ने गाना तो गाया है इसमें, गाएंगे भी, रिकॉर्डिंग होने वाली है, अभी आएंगे और कुछ करेंगे, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हूँ मैं। हेलो, लेकिन जैसे कुछ क्लियर होगा तो बोलूँगा थोड़ा। आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को, फिल्म कब तक आएगी? छठ पूजा तक फिल्म आएगी, और दर्शकों से ही कहूँगा कि थिएटर में आए, लोगों को पसंद आएगा। आज पार्टी कैसे मनाएंगे मनोज जी? पार्टी क्या, शूटिंग ही कर रहे हैं, कुछ पार्टी खास तो नहीं है। मतलब जन्मदिन पार्टी नहीं होगी आज? होने वाली थी, लेकिन शूटिंग की वजह से मुझे लगता नहीं हो पाएगी। चलिए, शुभकामनाएं जन्मदिन।